एकता कपूर अपने अपकमिंग शो नागिन 5 की तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में आए दिन शो से जुड़ी कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ रही है। वह पिछले दिनों जहां एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और हिना खान के इस शो से जुड़ने की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब सुनने में आया है कि दिव्यांका त्रिपाठी भी इस शो में लीड कास्ट का हिस्सा बन गई है। जी हाँ, नागिन 5 से जुड़े ताजा रिपोर्ट की माने तो इसमें दिव्यांका त्रिपाठी मुख्य किरदार निभा सकती है, लेकिन इस बार उनका रोल जरा हटके होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि नागिन 5 के जरिए दिव्यांका पहली बार खलनायिका के रूप में फैंस के सामने होंगी और उनका किरदार बिल्कुल काली नागिन जैसा होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि नागिन फ्रेंचाइजी के पिछले सारे सीजन देखें तो आपने ये बात जरूर गौर की होगी कि शो में दो प्रकार की नागिनें होती हैं, एक वो जो अच्छी नागिन होती है और एक नागिन खलनायिका बनती है। शेषा विशाखा और काली नागिन इसके बढ़िया उदाहरण है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिव्यांका का किरदार भी ठीक काली नागिन जैसा ही हो सकता है, यानी वो शो में अपने शैतानी दिमाग से नए नए षड्यंत्रों को अंजाम दे सकती हैं। हालांकि इस खबर में क्या और कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नागिन 5 में दिव्यांका वाकई नकारात्मक किरदार में दिखेंगी या नहीं इस पर फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। ऐसे में इसके बारे में ज्यादा कुछ कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर इस खबर में वाकई दम है तो दिव्यांका के फैंस इस शो में उन्हें एक अलग अवतार में जरूर देख सकेंगे। रिपोर्ट की माने तो दिव्यांका के अलावा शो में एक्ट्रेस कृतिका सेंगर और असीम रियाज भी लीड रोल निभाते दिखेंगे। बताया गया है कि असीम रियाज शो में शिवानिया के बेटे के रूप में दिखेंगे, तो वहीं कृतिका सेंगर का किरदार पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि एकता कपूर, दिव्यांका और कृतिका इन दोनों ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस को नागिन के रूप में पेश करने को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं। हालांकि जब तक इस खबर पर ऑफिशियल मोहर नहीं लग जाती तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर बात जहां तक दिव्यांका और कृतिका सेंगर की है तो आपको बता दें कि अपने पुराने शोज में ये दोनों हीरोइनें ट्रेडिशनल लुक के दम पर फैंस के बीच अक्सर धमाल मचाती थी। अब नागिन सीरीज के हर सीजन में भी ट्रेडिशनल लुक को मेकर्स काफी भुनाते हैं, तो ऐसे में शो के लिए ये दोनों परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए। क्या आप भी दिव्यांका को नागिन के रूप में देखना चाहेंगे?